क्वेश्चन नंबर 12th ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12th इस वीडियो में कम करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों क्वेश्चन सेज हियर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। यू नो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स के सम निकालने हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। ओके वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मींस 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालेंगे। लेट्स सी कैसे करें। यू नो सॉल्यूशन पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय सिक्स से डिवाइड होने वाले वे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन होंगे। कैन यू टेल मी 6 से डिवाइड होने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स आर 6, 12, 18, सो ऑन। सपोज दैट 40 नंबर ऑफ टर्म्स द गिवन है। ओके 40 नंबर ऑफ टर्म्स द गिवन है बट वी डोंट नो दैट। ओके नंबर ऑफ टर्म्स 14 है। इस तरह से 6 से डिविजिबल 40 टर्म्स तक होगी। 6 × 6, 6 × 12, 12, 40 टर्म्स तक आप चले जाएंगे। तो टोटल 40 टर्म्स के हमें सम फाइंड आउट करने हैं। जस्ट लुक हियर कैसे करें। यू नो व्हाट हियर a1 इक्वल्स टू व्हाट। a1 क्या हो जाएगा 6, a2 इक्वल्स टू व्हाट 12 एंड हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस। b इक्वल्स टू व्हाट a2 माइनस a1 मींस 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6 एंड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। कितने टर्म्स के हमें सब निकालने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 40 है। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स के सब निकालने हैं राइट। सो नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों गिवन है। दैट वी नो दैट सम ऑफ n टर्म के सम कैसे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला n बाय 2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। इस फॉर्मूला के यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ 40 टर्म्स। हमें कितने टर्म्स के सम फाइंड करने हैं 40 टर्म्स के सम। सो यहां पर रिटन करेंगे सम ऑफ 40 टर्म्स इज 40। n की वैल्यू कितनी है 40। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 40 40 बाय 2 इनटू 2a। a की वैल्यू कितनी है 6 6 प्लस n माइनस 1 डायरेक्टली कर लेते हैं 2 6 जा 12। ओके a की वैल्यू 6 है तो 2 6 जा 12 प्लस n माइनस 1 n कितनी है 40 40 माइनस 1 और d कितनी है d की वैल्यू कितनी आती है 6। नाउ 40 को 2 से डिवाइड करेंगे व्हाट विल कम 20। सो 20 इनटू 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इनटू 6 गॉट इट। नाउ 20 इनटू 12 प्लस 9 6 जा 54 कैरी 5 6 × 3 = 18 6 × 3 = 18 18 × 5 = 23 23 now 23 223 224 and 12 को ऐड करेंगे सो 20 into 12 plus 234 4 plus 2 6 यहां पे कर लेते हैं वी विल डू हियर 20 into 4 plus 2 6 3 प्लस 1, 4, 2, 246. नॉट 246 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 8 1, 9, 2 2 जा 4 and 1 0. Means 4920. Means sum of, okay? You can write on here, hence, the sum of 40 terms, the sum of 40 terms of positive integer divisible by 4, divisible by 6, the sum of 40 terms of positive integers, divisible by 6, equals to 4920। ये आप लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं इट इज ऑप्शनल। ओके
अदरवाइज दिस इज योर आंसर, यही पे आंसर हो गया था, राइट। हेंस हमने कर दिया यहाँ पे द सम ऑफ 40 टर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स के 40 टर्म्स जो 6 से डिविजिबल है उसका आंसर आता है 4920। ओके, आप इतने भी कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑप्शनल, यू कैन डू, यू कैन राइट और नॉट, राइट।